सभी साथियों को जैकसान। साथियों माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि पहले मैंने लाइव किया था लेकिन लाइव जो है वो शो नहीं हो रहा था। अभी भी लाइव शो नहीं हो रहा है किसी वजह से, शायद कोई नेटवर्क का इशू रहा होगा। जो भी साथी जुड़े, एक निवेदन आपसे, जो साथी पहले जुड़ जाएंगे उनसे निवेदन है कि आप एक कमेंट करके बता दें कि लाइव हो गया है वीडियो, क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है। साथियों बड़ी ज़बरदस्त खबरें हैं आपके लिए एक दो आज, और जो टारगेट अपन लोगों ने दिए थे वो पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो किसान भाई भी खुश हैं और मैं भी खुश हूँ। निवेदन आप सबसे, एक तो वीडियो को आगे बढ़ा दें ताकि और साथी जुड़ जाएं, थोड़े और साथी जुड़ेंगे तो अपने बातचीत शुरू करेंगे। ज़बरदस्त तेज़ी सरसों के अंदर, गेहूं के अंदर भी अच्छी तेज़ी बनी है आज, और जौ स्टेबल है, ग्वार के अंदर भी अच्छी तेज़ी बनती हुई हालांकि पूरे दिन में नज़र आई, लेकिन शाम को थोड़ा सा एक ब्रेक ग्वार के अंदर देखने को मिला है। विस्तृत चर्चा अपने इसके ऊपर करेंगे। उससे पहले आप सबसे निवेदन, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग वीडियो को शेयर करते हो, लाइक करते हो, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो साथी वीडियो को शेयर करते हैं उनको स्पेशल धन्यवाद। जी लाइव हो गया, आप सबके कमेंट आ गए हैं, शुक्रिया, थैंक यू। आप सब लोग वीडियो को दो दो तीन तीन ग्रुपों में आगे बढ़ा दें ताकि और साथी जुड़ जाएं। फिर जो है आपको आज दो तीन अच्छी खबरें देंगे फसलों के भाव के संबंध में। जी लगभग 200 लोग जुड़ गए हैं, तो कोशिश करते हैं अपने जो है वीडियो चालू करते हैं। सबसे पहली चर्चा करेंगे नरमे के ऊपर, क्योंकि छोटी चर्चा करनी है, तब तक और साथी जुड़ जाएंगे। गेहूं और सरसों के ऊपर बड़ी अच्छी खबर देंगे आपको आज, और निवेदन है कि वीडियो को आगे जरूर बढ़ाएं। देखिए नरमे के अंदर आज बहुत बड़ी तेजी नहीं थी, लेकिन नरमे के अंदर एक कंसोलिडेट स्टेबिलिटी थी, मतलब कि एक तेजी का रुख था। जो हम लोग ये सोच रहे थे कि लग रहा था कि नरमे के अंदर एक आयात शुल्क खत्म करने के बाद एक दबाव बनेगा, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और हालांकि दबाव तो है, लेकिन अभी नरमे की जो फसल है वो किसानों के पास बहुत कम है, तो वो एक बड़ा एक फैक्ट है। और नरमा आज भी तेजी में बिका, तेजी नहीं स्टेबिलिटी कह सकते हैं, बड़ी तेजी नहीं कह सकते आप, क्योंकि 11,800, 11,900, 12,100, 12,200 यही नरमा बिका है, और इससे पहले नरमा जो है तेज बिक चुका है। तो नरमे के अंदर अच्छी तेजी है, और जिन किसान भाइयों के पास नरमा है, भाई थोड़ा सा सोच लें, सौदा आपको अपने विवेक से करना है, लेकिन इतना ही बोलूंगा कि थोड़ा सा सोच लें। मेरे ख्याल से भाव ठीक लग रहे हैं, आगे मिलर्स जो हैं उनका मिलों का क्या रुख रहता है वो बाद की बात है। वीडियो को आगे जरूर बढ़ाएं साथियों, ताकि और साथी जुड़ें, तो फिर आपको गेहूं और सरसों के ऊपर एक अच्छी खबर सुनाते हैं। सिरसा के अंदर नरमा बिका 11,880, अबोहर के अंदर 11,600, आदमपुर 12,190, एलनाबाद 11,630, बट्टू 11,650, सादुल शहर 11,400, और मेड़ता के अंदर 10,800 रुपये साथियों आज नरमा बिका है। बात करते हैं साथियों जौ की। गेहूं के अंदर सबसे लास्ट में चर्चा करेंगे, उससे पहले सरसों के अंदर, उससे पहले जौ की बात करें तो जौ के अंदर साथियों आज भी स्टेबिलिटी थी, वही भाव थे जो भाव मैंने आज सुबह की वीडियो, जो अपना यूट्यूब चैनल है किसान राजा हेयर, वहां पर विस्तृत चर्चा की थी और बताया था कि जो है जौ के भाव आज स्थिर रहेंगे, स्टेबल ही रहेंगे। तो कोई बड़ी तेजी जौ के अंदर नहीं है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि मंदी नहीं है। जिन साथियों के पास जौ है, जिन साथियों के पास जौ पड़े हैं, थोड़ा सा एक बार विचार आप लोग भी कर लें, क्योंकि भाव अच्छे हैं, हो सकता है थोड़ी बहुत तेजी आगे जाके बन जाए, लेकिन जौ की फसल सूखती बहुत है, इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। जौ की बात करें, रायसेनगर 2880, सादुल शहर 2701, और विजयनगर के अंदर जौ बिके हैं 2902 रुपए प्रति क्विंटल। मक्के की बारे में काफी लोग पूछते हैं, सोयाबीन के बारे में काफी लोग पूछते हैं। मक्का और सोयाबीन का फंडामेंटल मजबूत है, लेकिन सोयाबीन का फंडामेंटल ज्यादा मजबूत है, मक्का भी मजबूत है लेकिन बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन लगता है कि मक्के और सोयाबीन के अंदर थोड़े थोड़े जो है भाव आगे चल के आपको आते हुए दिख सकते हैं। चर्चा करें ग्वार की, जबरदस्त तेजी में खुला ग्वार आज। आज सोमवार था और पहला दिन था सप्ताह का, बहुत अच्छे से तेजी में खुला, लेकिन शाम होते होते एक थोड़ी सी सुस्ती ग्वार के अंदर देखी गई है। उम्मीद करता हूं कि कल जो है दोबारा इसको रिपीट जो है
कर लिया जाएगा, रिकवर कर जाएगी दोबारा ग्वार जो है। लेकिन ग्वार के भावों की बात करें तो मंदी नहीं है साथियों। अच्छी खबर यह है कि ग्वार के भावों के अंदर मंदी नहीं है। जिन साथियों ने वीडियो को शेयर किया है दिल से धन्यवाद आपका, बाकी साथी भी एक शेयर का बटन जरूर दबा दें। तो ग्वार की बात करूं तो शाम होते होते थोड़ी सी सुस्ती दिखी है, लेकिन कल आज की जो दिन की तेजी थी उसका फर्क आज हाजिर मंडियों के अंदर दिखा। और ठीक भाव थे ग्वार के अंदर, रायसेन नगर लगभग 6306 रुपए, मेड़ता 6280 और बीकानेर के अंदर 6293 रुपए आज जो साथियों ग्वार बिका है। ग्वार में इस महीने के अंदर अच्छी खबर मिलेगी, उम्मीद है यकीन भी है अच्छी खबर मिलेगी। तो ग्वार के साथियों के लिए इतनी जानकारी। बात करते हैं साथियों सरसों की, जबरदस्त तेजी आज। और जो आपके भाई ने एक गोल दिया था, एक टारगेट दिया था कि सरसों अप्रैल के महीने में 7000 से 7500 के बीच में बिकेगी, वो गोल पूरा हो गया है। उसके लिए आप सब भी बधाई के पात्र हैं। जो साथी रोज वीडियो को शेयर करते हैं, रोज आगे बढ़ाते हैं, दूसरे साथियों तक पहुंचाते हैं, क्योंकि मेरा मैं तो सिर्फ वीडियो बना देता हूं, बाकी लोगों तक आप लोगों ने पहुंचानी होती है, आपकी ड्यूटी ज्यादा हार्ड है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। और लेकिन जो उम्मीद थी उस पर अपन लोग सारे, आप लोग भी और मैं भी खरे उतरे हैं। और सरसों जो है लगभग जो है 7000 से लेकर 7500 के बीच में पहुंच गई है आम मंडियों के अंदर। कुछ एक मंडियों के अंदर अभी डाउन है, चिंता नहीं कीजिए, सरसों के अंदर मंदा दिख नहीं रहा साथियों। लग रहा है कि सरसों तेज होगी, सरसों एक उड़ान भरेगी ऐसा लग रहा है। और आज भी सरसों के अंदर लगभग मंडियों के अंदर 80 रुपए की तेजी थी। देखिए एक दिन के अंदर 80 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी आना बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। प्लस लैब की ठगी, भयंकर ठगी लैब की। आज दो साथियों के फोन आए, मेरी पंचायत के साथी थे जो जिन्होंने दो लैब कराई, दोनों लैब्स का दो दो अंक का फर्क था। मतलब कि एक किसान को प्रति क्विंटल 200 से 250 रुपए की चपत लग रही है उसके अंदर, फिर भी सरसों तेज है। तो ठीक है, जो लोग ठगी चोरी कर रहे हैं उनको भगवान देख रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन सरसों अब रुकने वाली नहीं लग रही है, ब्रेक आ सकता है। कितना बड़ा? 100 से 150 रुपए प्रति क्विंटल का। एक दिन में नहीं आएगा, एक दो दिन का ब्रेक आ सकता है। क्यों? डराने के लिए, आवकें बढ़ाने के लिए। 7 लाख बोरी की आवक है, नोट करना ये बात। ये एक चीज आवकों के ऊपर मेन फोकस रखा करो आप। यानी कि आज से महीना पहले भी यही कहानी थी कि सरसों के भाव आवकों के ऊपर निर्भर हैं, इस बात में कोई भी शक साथियों नहीं है। आज भी 7 लाख आवक थी, दिन था सोमवार, रिपीट कर रहा हूं, दिन था सोमवार, जो दिन आवकों के मामले में सबसे प्रेशराइज होता है, दबाव जो है सोमवार को सबसे ज्यादा होता है आवकों के मामले में। लेकिन फिर भी 7 लाख बोरी की आवक थी, तो भाई किसान लोग बड़े समझदार हो गए हैं, धीरे धीरे करके अपनी फसल को बाजार के अंदर लेके आ रहे हैं। और उस चीज का इम्पैक्ट जो है बिल्कुल बाजार के अंदर दिख रहा है। तो आप सब लोग इस बात की गौर रखें, सरसों के अंदर तेजी बन सकती है। विनोद कुमार जी सरण साहब बड़े दिनों बाद आज जुड़े हैं, उन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल किसान राजा हेयर का लिंक शेयर किया, वहां भी आप जरूर जुड़े क्योंकि दिन में फसलों के भाव की अपडेट अपने वहीं देते हैं। तो सरसों के साथियों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है भाई, लगातार 4-5 दिन से सरसों के अंदर अच्छी तेजी बनी हुई है और लगता है कि ये तेजी जो है मेंटेन्ड रहेगी। ब्रेक आ सकता है किधर भी एक, अभी तो खैर नहीं लग रहा है, आया तो बड़ा नहीं आएगा, 100-150 का आएगा और एक मतलब पीस ऑफ कट में आएगा। 2-3 दिन के अंदर आपको 100-150 मंदी देखने को मिलेगी, उसके बाद फिर से दोबारा निकलेगी, क्योंकि जब बाजार के अंदर आपके और कम हो जाएंगी, आज 7 लाख हैं, अगर 5 लाख होगी तो एक बार डराने के लिए जो है इसको ब्रेक दिया जा सकता है, ताकि कुछ किसान साथी, किसान भाई दो तरह के दिमाग के होते हैं, मैंने पहले भी कई बार जिक्र किया है, थोड़ा सा आज भी जिक्र करता हूं। जब भाव गिरता है तो कुछ किसान साथी ऐसे होते हैं जो कहते हैं सरसों ले जाए यार अपने बाजार में, कहीं भाव और मंदा ना हो जाए। लेकिन कुछ साथी ऐसे होते हैं जब भाव बढ़ता है वो तब वेट करके फिर सरसों की फसल को जो है बेचते हैं। कुछ साथी मंदी में बेच देते हैं, कुछ साथी तेजी में बेच देते हैं। खैर पारिवारिक मजबूरियां भी होती हैं, किसान की हालात जो है आज इतनी बहुत ज्यादा अभी तक बेहतर नहीं है भारत के अंदर कि हम लोग जो है एक फसल को बचा के रख लें और दूसरी फसल को जो है बिजान कर लें। हमें बहुत कुछ देखना पड़ता है, मैं भी खुद किसान परिवार से हूं, तो अगली फसल को। लेकिन अच्छी बात क्या हुई, सुनने वाली बात है साथियों, अच्छी बात इस बार क्या लग रही है, दिल खुश इसलिए हुआ
इस बार किसान भाइयों ने लगभग उतनी फसल का सौदा किया है जितनी फसल उनको अगली फसल की बीजान के लिए बेचनी जरूरी थी, तेल का, खाद का, उर्वरक का, मतलब जो भी था बीज का, उतनी फसल सरसों सेल की है जितने से उनका काम चल जाए, एक बार अगली फसल बोले तो बाकी सरसों संभाल के रखी है। इसी वजह से आपको एक मेंटेन तेजी बनती हुई नजर आ रही है। बाकी कोई इश्यू नहीं है, सरसों के अंदर पूरे विश्व भर के अंदर जो है हाहाकार मची हुई है, तेल जो है एडिबल तेल जो है खाने वाला तेल है उसकी पूरी हाहाकार मची हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सरकार की भी पैनी नजर है सरसों के ऊपर, लेकिन आप लोग पैनी नजर बना के रखिएगा आंकों के ऊपर, 7 लाख से ऊपर नीचे कितनी होती है, कल नीचे जाती है तो कल ही नहीं तो परसों आपको एक और एक जो है इसके अंदर जहाज उड़ता हुआ दिखाई देगा। अगर कल मान लीजिए 8 से 9 लाख होती है तो थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट होता आपको दिखेगा। टोटल और कंप्लीट एक ही बात है, सीधा सा फंडा है, कहीं चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, आंकों का खेल है, आपके बहुत बड़ा मैटर करेगी सरसों के अंदर। खैर सरसों के साथियों के लिए अच्छी खबर है, बड़ा अच्छा एक माहौल है सरसों के अंदर। और जो अपन लोगों का गोल था कि अप्रैल के अंदर सरसों 7000 से लेके 7500 के बीच में होगी, वहां हम लोग बढ़ रहे हैं और हम लोग चले भी गए हैं, ये एक मेरे लिए स्कूल की बात है। बात करें सरसों के भाव की, विजयनगर 6975 यानी कि 7000 से सिर्फ 25 रुपए दूर, मेड़ता 6970 सिर्फ 30 रुपए दूर, साधुल शहर 6700 थोड़ा दूर है, हिसार 6680, गोलूवाड़ा 7200 रुपए सरसों बिक चुकी है लेकिन आज 7050 रुपए सरसों वहां पे बिकी है 41.8 लैब की, एलनाबाद 6930, सिरसा 6800, रेवाड़ी का भाव नहीं है सॉरी, कैथल 6970, रायसेनगर ने रिकॉर्ड तोड़ा है 7210 रुपए आज सरसों बिकी है रायसेनगर के अंदर, टोंक के अंदर 7200, दादरी 7100, भरतपुर 6880 है अभी का भाव क्योंकि शाम को थोड़ा तेज हुआ बता रहे हैं, जयपुर 7300 पार है, कोटा 6700, सलोनी में स्टेबल है भाव, अभी भी 7800 रुपए के ऊपर ही काम कर रहा है, कल भी सॉरी सैटरडे को भी 7800 के ऊपर काम कर रहा था लेकिन कितने दिन रोक के रखेंगे, तेज यहां भी होगी। गंगानगर के अंदर 6570, दिल्ली 7130 और अलवर के अंदर 6987 रुपए आज साथियों सरसों का भाव रहा है। गेहूं के ऊपर भी आपको एक अच्छी खबर देते हैं, वीडियो को जरूर आगे बढ़ा दें ताकि और साथियों तक जुड़ जाए, और साथी अपने साथ जुड़ जाएं। और एक आपसे निवेदन, हाथ जोड़ के, अपना एक YouTube चैनल है किसान राजा हेर के नाम से, वहां भी आप सारे साथी जरूर जुड़ना क्योंकि दिन में फसलों के भाव की अपडेट वहीं अपने ज्यादा करते हैं, तो सारे साथी वहां भी साथियों जरूर जुड़ना। चैनल का नाम किसान राजा हेर और रामकुमार जी सारे साहब ने उसका लिंक शेयर कर दिया है। देखिए गेहूं के अंदर आज जब सुबह उठे तो लगा कि जबरदस्त तेजी है, दिल्ली का बाजार 197 रुपए तेज खुला, जबरदस्त मांग, व्यापारियों की बड़ी अच्छी मांग, जो गेहूं दिल्ली के अंदर 2100-2150 रुपए बिक रहा था वो गेहूं आज अच्छी तेजी में 2480-2490 रुपए साथियों बिका। तो गेहूं के अंदर जबरदस्त तेजी खुलते ही एक सिम्टम आ गए थे, एक लग रहा था कि गेहूं के अंदर आज तेजी बनेगी और वही हुआ, गेहूं के अंदर आज बड़ी शानदार तेजी बनी है, पूरे जो है जो इसका कैचमेंट है गेहूं का जो एरिया है उसके अंदर आज गेहूं के अंदर एक तेजी बनती हुई नजर आई है। अमूमन मंडियों के अंदर आम जो मंडियां हैं वहां पर भी 50 से लेके 70 रुपए प्रति क्विंटल भाव तेज रहा है गेहूं का। गेहूं के अंदर क्वालिटी बहुत बड़ा इशू है, गेहूं के अंदर वैरायटी बहुत बड़ा इशू है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, मुझे भी समझना पड़ेगा। जो भाव 1482 बिकेगा वो भाव दूसरी 2851 या 600 नहीं बिकेगी, हाँ जो भाव 2851 का रहेगा वो 3086 का नहीं रहेगा, इस बात को हमें गौर करना पड़ेगा। तो साथियों असल के अंदर गेहूं के अंदर किधर भी अब जो है एक मंदी दिखाई नहीं दे रही है, एक चीज नोट रखना, बहुत बड़ी तेजी गेहूं के अंदर नहीं है, इस चीज को हमें गौर करना पड़ेगा। खैर गेहूं के भाव आज बड़े सुकून देने वाले थे, आज रायसेनगर मंडी के अंदर 2460 रुपए 2-3 ढेरियों की बोली हुई है, तो लग रहा है कि मामला बन रहा है गेहूं के अंदर भी और अच्छी तेजी आगे बढ़ती हुई नजर आ सकती है। लेकिन बहुत बड़ी तेजी, कुछ भाई ये कहते हैं
आज ही मैं एक हेडलाइन पढ़ रहा था, गेहूं होगा इस बार 5000 पार, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा गौर रखिएगा, गेहूं की फसल ऐसी है जो घर पे रखी खराब होती है, उसको घुन लग जाता है, उसको वो क्या बोलते हैं, वो जो कीड़ा आपकी भाषा में पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, वो लग जाता है, नुकसान हो सकता है, उसकी देखरेख रखें। और एक चीज और है, गेहूं के अंदर बहुत बड़ी तेजी नहीं है तो बहुत बड़ी मंदी भी नहीं है, एमएसपी से ऊपर ही बिकेगा। कल एक चिंता जाहिर की थी मैंने, क्योंकि कुछ मंडियों के अंदर दबाव आ गया था, गेहूं जो है वो एमएसपी से नीचे आ गया था, तो आज भगवान ने सुनी और बड़ी अच्छी तेजी गेहूं के अंदर आ जाती हो बनी है। एक निवेदन आपसे और, सूरतगढ़ के अंदर आज एक किसान भाई की जो है डेथ हो गई है, क्योंकि वो गेहूं की फसल निकाल रहे थे खेत के अंदर, और फसल निकालते निकालते उनके शायद कोई हाथ अड़ गया, या वो जो है मिनी कंबाइन थी उसके अंदर पूरे के पूरे जो है अंदर चले गए और उनकी जो है जान चली गई। 6 बेटियों के बाप थे, बहुत दुख हुआ मन में, वास्तव में एक बहुत बड़ी उदासी हुई। साथियों, आप सब लोग भी गेहूं की फसल निकालें तो जरूर इस बात का ध्यान रखें, आप भी सेफ रहें, सुरक्षित रहें। और सरकार से हमें मांग करनी चाहिए कि ऐसा किसान भाई जो ऐसे हादसे का शिकार हो गया है, उसके लिए सरकार को जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि लाखों तरह के बीमे होते हैं, मंडी समितियों द्वारा होते हैं या केसीसी के अंदर भी लाख तरह के बीमे होते हैं। तो उम्मीद है कि सरकार को इस बात के ऊपर गौर करनी चाहिए। आप लोग भी जरूर मांग करें, वीडियो को जरूर आगे बढ़ाएं ताकि ये बात हमारी आगे तक जा सके, क्योंकि आज 6 बेटियों का बाप इस तरह से इस हादसे के अंदर चला जाता है तो बड़ा दुख होता है। साथियों, आपसे भी निवेदन है कि आप भी गेहूं की फसल निकालें तो थोड़ा सा गौर रखें, जरूर इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखें कि आपके कपड़े ज़्यादा खुले नहीं होने चाहिए, आपके हाथ के अंदर कड़ा या घड़ी नहीं होनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, इनसे काफ़ी साथियों बचाव हो सकता है। मैं उस परिवार के लिए बड़ा मतलब कि दुखी हूँ, बहुत दुख की बात है कि एक किसान की जो है आज साथियों जान चली गई। तो गेहूं के बाद रेट की बात करें तो आज रायसेनगर 2460 रुपये, विजयनगर के अंदर 2401 रुपये और शादुल शहर के अंदर 2190 रुपये साथियों आज गेहूँ बिका है। मिलेंगे कल सुबह 9 से 9:30 बजे YouTube चैनल किसान राजा हेयर के ऊपर, आप भी वहां जरूर जुड़ना, क्योंकि सुबह की अपडेट अपने वहां जरूर करते हैं, पूरे दिन की अपडेट भी किसान राजा हेयर जो अपना YouTube चैनल है वहां अपडेट करते हैं, और यहां मिलेंगे कल शाम को 8:30 बजे। तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।